हेलो व्यूअर्स, नमस्ते एंड वेलकम टू शॉपिंग मंत्रा चैनल। तो एज़ यू कैन सी, आज की वीडियो में मैं किस बारे में बात करने वाली हूँ। येस, आई एम गोइंग टू टॉक अबाउट मामा अर्थ टुडे। तो बहुत सारे लोगों को वैसे ऑलरेडी पता होता है मामा अर्थ के बारे में, बिकॉज दिस इज़ आई कैन से न्यू ब्रांड, बट इतना न्यू नहीं रहा अभी है, बिकॉज इसके प्रोडक्ट्स बहुत चलने लगे हैं एंड दे हैव कैप्चर्ड अ गुड पार्ट इन द मार्केट। सो उनके लिए जिन्हें नहीं पता है मामा अर्थ के बारे में बिल्कुल भी, बस मैं उनके लिए थोड़ा सा बताना चाहती हूँ कि मामा अर्थ बेसिकली एक आई कैन से एक कंपनी, एक ब्रांड है जो कि आपको कॉस्मेटिक्स के सारे आइटम्स देता है। इनकी काफ़ी अच्छी मतलब वैरायटी है विद अ गुड रेंज, प्राइस रेंज। तो ये आपको शैम्पूस भी देते हैं, ऑयल भी देते हैं, कॉम्पैक्ट लिपस्टिक, आईलाइनर्स, काजल, फाउंडेशन एंड कुछ कुछ बेबी प्रोडक्ट्स भी ये देते हैं जो मैंने अभी एक्सप्लोर नहीं किए हैं। बट येस, इनके शैम्पूस और कंडीशनर में भी काफ़ी वैरायटी होती है, ऑयल में भी, जैसे अनियन ऑयल देते हैं, अनियन शैम्पू, राइस वाटर ऑयल, राइस वाटर शैम्पू, तो एंड फेस वॉश वगैरह में भी, जैसे लेमन फेस वॉश, एलोवेरा फेस वॉश, एलोवेरा जेल, एंड जो इनके कॉम्पैक्ट हैं वो भी टैल्क फ्री फॉर्मूला के साथ होते हैं। सो दिस इज़ यू नो वन ऑफ दी बिगेस्ट चेंज इन दी कॉस्मेटिक इंडस्ट्री ऑल्सो, क्योंकि अगर आपने नोटिस किया होगा तो टैल्क फ्री फॉर्मूला के साथ जो भी कॉम्पैक्ट्स आते थे अभी तक मार्केट में वो 1000 से स्टार्ट होते थे, बट मामा अर्थ का कॉम्पैक्ट इज़ फॉर 500, मतलब जस्ट हाफ ऑफ द प्राइस। एंड अगर आप कूपन वगैरह लगाते हो तो वो थोड़ा सा और कम में भी आपको मिल जाता है, विच इज़ वन ऑफ दी आई कैन से बिगेस्ट चेंज इन द मार्केट, क्योंकि बहुत सारे लोग हैं जो नहीं ले पाते हैं टेल फ्री कॉम्पैक्ट। और ये किसी किसी आई कैन से रिसर्च में ये पता चला है कि अगर आप टैल्क फ्री कॉम्पैक्ट यूज़ नहीं कर रहे हो तो हो सकता है कि आपको कैंसर भी हो सकता है। दैट्स द रीज़न कॉस्मेटिक इंडस्ट्री को अब अपने अंदर चेंजेस लाने पड़ रहे हैं एंड दे हैव टू यूज़ यू नो दे हैव टू एक्चुअली रिमूव हार्मफुल इंग्रेडिएंट्स फ्रॉम देयर प्रोडक्ट्स। तो ये एक अच्छा इनिशिएटिव है मामा अर्थ की साइड से। एंड ये कंपनी ये भी क्लेम करती है कि ये कोई भी हार्मफुल केमिकल या कोई भी हार्मफुल चीज़ यूज़ नहीं करते अपने प्रोडक्ट्स में, और ये काफ़ी अफोर्डेबल प्राइस में भी आपको अपने प्रोडक्ट्स दे रहे हैं, और उसके ऊपर आई थिंक कूपन्स वगैरह भी दे रहे हैं। मामा अर्थ का एक आई थिंक मामा कैश भी होता है, मतलब इट्स लाइक अ कैश बैक दैट यू गेट आफ्टर प्लेसिंग द ऑर्डर। तो ये भी एक अच्छा चीज़ है दैट यू कैन यूटिलाइज। प्लस दे रन दी मेम्बरशिप स्कीम एज वेल, मतलब आप मेम्बरशिप ले सकते हो उनकी 3 months की, 6 months की एंड आई थिंक 1 year की भी। तो मुझे 3 months का पता है, दैट्स फॉर 99 एंड इफ यू टेक दैट यू गेट फ्री गिफ्ट्स, 2 free gifts विद योर ऑर्डर। ओके, और कोई मिनिमम ऑर्डर वैल्यू नहीं होती ऑर्डर प्लेस करने की, यू विल गेट द फ्री शिपिंग। एंड वैसे होता है कि 399 का अगर आपने ऑर्डर किया है तब आपको फ्री शिपिंग मिलेगी। उसके अंदर आई थिंक यू हैव टू पे सम शिपिंग चार्ज, जो कि मैंने अभी तक नहीं दिया है क्योंकि मेरा सारा ऑर्डर हमेशा 399 से ज़्यादा का ही रहा है। यू कैन यूज़ द कूपन्स टू गेट द कैश बैक और टू गेट द डिस्काउंट्स। सो ये सब आप मामा अर्थ की ऐप में जाकर चेक कर सकते हैं आराम से, क्योंकि ये अच्छे अच्छे कूपन्स आपको मामा अर्थ की ऐप में मिलेगा या तो वेबसाइट में मिलेगा, क्योंकि इनके प्रोडक्ट्स बाकी ई कॉमर्स वेबसाइट्स पे भी अवेलेबल है, लाइक अमेजोन, फ्लिपकार्ट, मिंत्रा, आप नायका वगैरह आप सब पे चेक कर सकते हो। यू विल गेट सम अदर डिस्काउंट्स देयर, बट ये जो मैं कूपन और डिस्काउंट्स की बात कर रही हूँ वो सिर्फ मामा अर्थ की एप्लीकेशन पे ही है। तो मैं हमेशा मामा अर्थ की ऐप यूज़ करती हूँ, उसके थ्रू मैं ऑर्डर प्लेस करती हूँ एंड दैट्स वाई आई गेट दी कैश बैक्स एंड डिस्काउंट्स एज वेल। तो ये तो हो गया इन्फो अबाउट मामा अर्थ। एंड येस, वन मोर स्मॉल थिंग आई वॉन्ट टू शेयर अबाउट देम, कि आफ्टर ईच एंड एवरी सक्सेसफुल ऑर्डर दे प्लांट अ ट्री, सो दैट इज़ ऑल्सो वन ऑफ द गुड इनिशिएटिव बाय दिस कंपनी आई कैन से। तो दैट्स ऑल फॉर द इंफॉर्मेशन एज ऑफ नाउ। Now let's talk about the packaging. So this is how the packaging is. You will always get the packaging like this only. मतलब ये मेरा 4th order है और हमेशा मुझे ऐसे box में ही ये items मिले हैं। तो इस बार मैंने order किया है एक lipstick and उस lipstick के साथ I got 2 free products, क्योंकि मैंने membership ले रखी है इसी वजह से I'm getting free products that you can choose as well, which is one of the good part. तो packaging अच्छी है हमेशा की तरह, दे प्रेफर बॉक्स पैकेजिंग बिकॉज बॉक्स पैकेजिंग इज़ ऑलवेज सेफर। एंड इसके अंदर भी इन्होंने कुछ कागज़ का
आई कैन से कागज वाली बबल रैपिंग, नॉट कागज वाली बबल रैपिंग बट काइंड ऑफ आई कैन से कि शॉक से बचाने के लिए इन्होंने यूज़ किया हुआ है इसको. क्या कहते हैं आई डोंट नो बट आई विल ओपन एंड शो यू गाइस. तो टेप तो काफ़ी अच्छे से लगा हुआ है बट आई विल कट इट. तो एक्चुअली अगर आप बाकी ई कॉमर्स वेबसाइट्स पे देखोगे लाइक अमेजोन मिंत्रा तो आपको ये थोड़े से कम प्राइस में मिलेगा, थोड़ा सा है 50 रुपये कम लाइक दैट. लेकिन आपको शायद ज़्यादा उतने कूपन नहीं मिलेंगे बट आप पॉपर्स की ऐप में देखोगे तो आपको ये सेम लिपस्टिक MRP वाले प्राइस पे ही दिखेगी बट दे गिव यू कूपन्स डिस्काउंट्स एंड ऑफर्स. तो जो फाइनल प्राइस होता है लिपस्टिक या किसी भी आइटम का वो थोड़ा सा कम पड़ जाता है. दैट्स व्हाई आई विल सजेस्ट यू टू ऑर्डर फ्रॉम ममअर्थ ऐप ओनली बिकॉज आई थिंक उससे ज़्यादा आपको सही प्राइस में मिलेगा आइटम. तो जो मैं बोल रही थी आपको कि कागज से इन्होंने कुछ ऐसे रैप किया होता है तो ये मतलब शॉक वगैरह से या किसी डैमेज से बचाने के लिए यूज़ किया होता है. सो दिस इज़ हाउ दे हैव रैप्ड इट. एंड यूजुअली हम ये चीज़ फलों और सब्जियों के साथ देखते हैं बट दे हैव रैप्ड देयर प्रोडक्ट्स विद सच काइंड ऑफ पेपर. बहुत अच्छे से इन्होंने काफ़ी लेयर्स यूज़ की हुई हैं. तो ये रहे मेरे 3 प्रोडक्ट्स. ओके अब मैंने रख देती हूँ 1 by 1 एंड आई विल शो यू कि ये क्या क्या है. ओके सो ये है मेरे 3 प्रोडक्ट्स जिसमें से मैंने बताया कि एक ऑर्डर्ड है और 2 जो है वो है प्री प्रोडक्ट्स. तो ये लिपस्टिक जो है वो मैंने ऑर्डर की हुई है एंड दिस इज़ बुलेट लिपस्टिक, दिस इज़ नॉट लिक्विड लिपस्टिक. ओके तो इसमें फ़ोटो भी बनी हुई है. सो दिस इज़ हाउ द लिपस्टिक इज, मतलब ऐसी दिखेगी ये लिपस्टिक, ऐसा दिखेगा ये बुलेट लिपस्टिक. एंड जैसे मैंने बहुत सारे इन्फो आपको नहीं दी हैं अभी भी, सो आई विल गिव यू द इन्फो अबाउट द प्रोडक्ट नाउ. मतलब जो स्पेसिफिक प्रोडक्ट मैं आपको दिखानी हूँ स्क्रीन पे, अब मैं सिर्फ उसके बारे में आपको इन्फो दूंगी. सो लेट्स स्टार्ट विद द फ्री प्रोडक्ट्स. तो ये जो 2 प्रोडक्ट्स हैं ये एक्चुअली में दोनों फेस वॉश है, एक एलोवेरा फेस वॉश है और एक उपटन फेस वॉश है. तो अगर आप देखेंगे इन दोनों पे अलग अलग इंग्रेडिएंट शो हो रहा है. लाइक इसमें आप देख रहे होगे कि एलोवेरा है और कुछ कुछ हाँ अश्वगंधा है, एलोवेरा एंड अश्वगंधा है इस वाले में. एंड इसमें यू कैन सी के कुछ टर्मरिक है, सैफ्रॉन है. तो दिस इज़ फॉर टैन रिमूवल एंड दिस इज़ फॉर यूथफुल ग्लो. तो मैंने ये लाइक उबटन फेस वॉश एक्चुअली में टैन रिमूवल के लिए तो नहीं यूज़ होना चाहिए, स्पेशली टैन रिमूवल के लिए यूज़ नहीं होता क्योंकि उबटन वैसे भी इंडियंस लगाते हैं, बहुत सालों से हम लगाते आ रहे हैं उबटन. तो उबटन वैसे भी हम जैसे ग्लोइंग स्किन के लिए हम लगाते हैं उबटन बिकॉज सैफ्रॉन और टर्मरिक हम नॉर्मली भी यूज़ कर सकते हैं. इट इज़ नॉट जस्ट फॉर रिमूविंग द टैन, इट इज़ एक्चुअली गुड फॉर योर यू नो स्किन टू कीप इट हेल्दी एंड ग्लोइंग. सिमिलरली ये एलोवेरा और अश्वगंधा भी आप नॉर्मली यूज़ कर सकते हो यूथफुल ग्लोइंग स्किन के लिए. और ये दोनों ही अच्छा नहीं है, ये 20 ml का है और ये 25 ml का है. ओके सो एज़ द कंपनी सेड कि ये पैराबीन फ्री है और सेफ है. इसके लिए भी इन्होंने सिर्फ लिखा है कि इट इज़ मेड सेफ. तो ये कंपनी हमेशा क्लेम करती है कि ये हमेशा मेड सेफ प्रोडक्ट्स देते हैं आपको. सो आई एम हैप्पी विद ये प्रोडक्ट. तो एक्चुअल में अगर आप इनकी MRP देखोगे तो ये 99 rupees का है और आई थिंक ये भी 99 rupees का है. हाँ यहाँ पे लिखा हुआ है 99. सो दीज 2 आर फॉर 99 ईच बट एज आई हैव टेकन द मेम्बरशिप आई एम गेटिंग इट फॉर फ्री. यू कैन बाई दिस एज वेल, अगर आपको मेम्बरशिप नहीं लेनी है सो दैट्स ओके, यू कैन बाई इट सिंपली. और पैकेजिंग वगैरह भी इसमें मैंशन है कि ये 7 मतलब आई थिंक दिस मंथ ओनली, नॉट दिस मंथ प्रीवियस मंथ. तो एक की पैकेजिंग है जुलाई की और एक की जून की पैकेजिंग है. तो इसकी शेल्फ लाइफ तो काफ़ी लंबी रहती है इनकी. यस जैसे ये 2024 तक चलेगा एंड अभी 2022 चल रहा है. सो ऑलमोस्ट आई कैन से 2 साल का इन दोनों का शेल्फ लाइफ है. तो अभी तो मैंने नहीं खोलूँगी, लाइक व्हेन आई विल यूज़ इट देन आई विल टॉक अबाउट द क्वालिटी क्योंकि वो तो मुझे अभी नहीं पता चलेगा.
अभी मैं यूज़ कर रही थी इनका विटामिन सी फेस वॉश, जिसमें आई थिंक थोड़ा सा मिंट भी है, तो मुझे वो ठीक ठाक लगा, लाइक नॉर्मल फेस वॉश ओनली। स्किन अच्छे से साफ़ हो जा रही थी, मतलब कोई ऑयल नहीं रह जा रहा था स्किन पे। बट हाँ, ग्लोइंग अगर स्किन की बात करूँ मैं, तो ऐसा कुछ नहीं होता है कि हाँ ग्लो वगैरह आ रहा हो स्किन पे, ऐसा कुछ मुझे स्पेशल इफ़ेक्ट तो नहीं दिखा अपनी स्किन पे। बट येस, ये अच्छे से आपकी स्किन को साफ़ ज़रूर करता है, मतलब कोई ऑयल नहीं रह जा रहा था मेरे फेस पे। सो येस, आई विल से कि हाँ इनके प्रोडक्ट्स अच्छे हैं। एंड अगर आप रेगुलरली यूज़ कर रहे हो, आई थिंक ओवर अ मंथ और टू मंथ्स, देन आई थिंक यू कैन सी सम डिफरेंस इन योर स्किन। तो मैं इन्हें यूज़ करूँगी एंड एक दो महीने बाद ही मैं आपको बता सकती हूँ कि ये प्रोडक्ट्स कैसे हैं। लाइक विटामिन सी वाला फेस वॉश भी आई डिडंट यूज़ कंटिन्यूसली फॉर अ मंथ, सो आई हैव नॉट सीन सच ग्लो ऑन माई फेस। बट येस, आई विल स्टार्ट डूइंग इट एंड आई विल टेल यू गाइज कि सच में कैसा है ये प्रोडक्ट। तो अब बात कर लेते हैं लिपस्टिक की। सो दिस इज़ द बुलेट लिपस्टिक एंड लेट्स टॉक अबाउट द पैकेजिंग। तो कंपनी जैसे कहती है कि दिस इज़ मॉइस्चर मैट लॉन्ग स्टे लिपस्टिक विथ एवोकाडो ऑयल एंड विटामिन ई, एंड ये 8 घंटे तक आपके मॉइस्चर को लॉक करता है। तो अगेन, ये मुझे यूज़ करके ही पता चलेगा कि एक्चुअल में कितने घंटे ये मॉइस्चर लॉक करता है। प्लस इट इज़ मेड सेफ, गुड थिंग, एंड 12 घंटे तक ये रहता है। तो आई थिंक ये भी मुझे थोड़ा डाउटफुल लग रहा है, बिकॉज अगर आप कुछ खाते पीते हो तो डेफिनेटली लिपस्टिक थोड़ी छूटने लगती है, एंड दिस इज़ बुलेट लिपस्टिक, दिस इज़ नॉट लिक्विड लिपस्टिक। तो चांसेस हैं कि ये 12 घंटे तक तो नहीं रहेगा ऑफकोर्स। हाँ, अगर आपने कुछ खाया पिया नहीं है देन यू कैन चेक कि कब तक रह सकता है। बट ये ऑब्वियसली ट्रू फैक्ट है कि हम 12 घंटे तक भूखे नहीं रहते हैं, और रात में कोई लिपस्टिक लगा के तो सोएगा नहीं सुबह उठ के देखने के लिए कि ओके 12 घंटे है या नहीं। सो दिस इज़ समथिंग, आई थिंक 12 घंटे क्लेम करने का कुछ है नहीं वैसे। यहाँ पे और डिटेल्स मेंशन है, लाइक इट इज़ स्मच प्रूफ। तो अगेन मैं बोलना चाहूँगी कि गाइज, कोई भी बुलेट लिपस्टिक स्मच प्रूफ नहीं होती है, क्योंकि आप खुद सोचिए ना, दिस इज़ अ बुलेट लिपस्टिक, इट इज़ नॉट लिक्विड लिपस्टिक। लिक्विड लिपस्टिक के चांसेस होते हैं कि वो स्मच प्रूफ होती है, बट बुलेट लिपस्टिक तो कभी भी स्मच प्रूफ नहीं हो सकती, क्योंकि उसका फॉर्मूला ही ऐसा नहीं होता है कि वो यू नो स्मच करने पर नहीं छूटे, पक्का छूटेगी। सेकेंड थिंग इज़ कम्फर्टेबल वेयर। येस, आई कैन बिलीव दिस कि बहुत सी लिपस्टिक यू नो बहुत अच्छी होती हैं, मतलब काफ़ी मॉइस्चराइजिंग होती हैं वो, कि आपको उसे लगाने में बहुत अच्छा लगता है, आपको ऐसा लगता है कि लिप बाम लगाया हुआ है। सो येस, आई कैन बिलीव दिस वन। एंड ओके, डर्मेटोलॉजिकली टेस्टेड है ये, अच्छी बात है, बिकॉज दे ऑलवेज से कि मेड सेफ प्रोडक्ट्स दे रहे हैं ये। Now the shade. So I have ordered 02 Plum Punch. And why I ordered this shade? Because मैंने इनका जो रेंज देखा, मतलब शेड का जो वैरायटी देखा, उसमें मुझे 5-6 शेड्स दिखे। तो आई थिंक दिस इज़ द डार्केस्ट शेड। तो ये शेड चूज़ करने के पहले मैंने बहुत सारे YouTube वीडियोस देखे कि ओके, मतलब एक्चुअल में ये शेड जब आप लेके लगाते हो तो कैसा लगता है। तो बहुत सारे लोगों ने लेके स्वॉचेस दिखाए होते हैं, राइट? तो मैंने भी वैसी बहुत सारी वीडियोस देखी, बट गेस व्हाट, मुझे एक वीडियो में यही सेम शेड कुछ अलग कलर का लगा, एंड दूसरी वीडियो में यही सेम शेड कुछ अलग कलर का लगा, एंड दैट क्रिएटेड लॉट ऑफ कन्फ्यूजन, कि मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि कौन सा शेड लेना चाहिए। एंड दैट्स वाई आई ऑर्डर द डार्केस्ट शेड, बिकॉज आई एम अ पार्टी पर्सन, एंड ये जो शेड है विच इज़ वन ऑफ द डार्केस्ट शेड्स, तो डेफिनेटली ये आप किसी भी पार्टी वगैरह में लगा सकते हो, आराम से आप इसको कैरी कर सकते हो। बट येस, ये शेड आप कॉलेज या ऑफिस में नहीं लगा सकते हो, कॉलेज ऑफिस में मतलब डेली वेयर में आप नहीं यूज़ कर सकते शेड को। येस, आप अगर ऑफिस या कॉलेज में किसी पार्टी में जा रहे हो तब आप इसको लगा सकते हो, डिपेंडिंग ऑन योर ड्रेसिंग एज वेल। अगर आपने प्लम कलर का कुछ पहना हुआ है तो डेफिनेटली उस पर आप कोई न्यूड शेड या कुछ पीची कलर या कुछ और कलर नहीं लगा सकते हो, नहीं अच्छा लगेगा। आपको कुछ ऐसा प्लम कलर ही लगाना होगा, प्लम काइंड ऑफ शेड और बेरी शेड और रास्पबेरी, तो ये सब थोड़े से डार्क शेड्स होते हैं जो कि अच्छे लगते हैं किसी पार्टी वेयर ड्रेसिंग में। एंड मुझे वैसे भी प्लम कलर बहुत पसंद है, और मैं डेफिनेटली 6 के 6 शेड खरीद के आपको नहीं दिखा सकती कि ये कलर एक्चुअल में आएगा, बिकॉज आई जस्ट वॉन्ट अ गुड लिपस्टिक फॉर मी
and I ordered this. So I wanted to make an unpacking video and to show you how the packaging is and how the product is. Plus, ये shade कैसा है, actual color इसका क्या आता है. I will try to put a video in this light as well, plus in the daylight. तो आप compare कर सकते हो कि actual color कैसा आएगा. And मैं अपनी आँखों से देख के plus phone के camera में भी मैं देखूँगी, मतलब phone में जो video बन रही है उसको देख के. I'll try to put the filter or I'll do some editing to make the color, you know, similar to what I see in real. So I'll try that, but for now let me unpack this. So packaging तो अच्छी है, but थोड़ा सा बड़ा डब्बा lipstick के हिसाब से, but I wish कि lipstick भी बड़ी सी हो, because ये 500 रुपए की lipstick है. Okay, so this is how the lipstick is. तो अच्छा मोटा स्टिक है, बड़ा साइज का. इतनी बड़ी लिपस्टिक मैंने पहली बार देखी है, बिकॉज मेरी सारी लिपस्टिक इतने साइज की होती हैं, चाहे किसी भी कंपनी की हो. इससे बड़ा साइज मुझे थोड़ा अनकंफर्टेबल लगता है, बिकॉज दिस इज मोर लाइक ऐसा लग रहा है कि कोई मस्कारा वगैरह का डिब्बी है. फाइन. So we have planted 150,000 plus trees and adding more each day. That's very good. So this is how the lipstick is. काफ़ी मोटा बुलेट है इनका. Avocado and vitamin C. Sorry, vitamin E. So packaging, मतलब not packaging. Packaging तो बड़ी थी इनकी. But yes, ये काफ़ी मोटी lipstick है. मतलब मोटी होने के साथ लंबी है, इतनी लंबी मैंने नहीं देखी कभी. सो बैक में इन्होंने डिटेल्स मेंशन की हुई हैं कि ये प्लम पंच है और कंपनी का नाम लिखा हुआ है कि मैन्युफैक्चर्ड बाय मैक्सिमा सॉल्यूशंस. ओके, तो ओपन करने पे ये कुछ ऐसी है. ओके, दिस इज़ हाउ it looks. And as I told, this is one of the darkest shades, and yes, it is one of the darkest shades. तो bullet ये कितनी लंबी है वो मैं दिखा दूँ. तो इतनी लंबी आपको मिलती है ये bullet. बहुत ज़्यादा लंबी नहीं है, उतनी लंबी है जितनी आपको बाकी lipsticks में मिलता है. But I personally feel कि ये इतना लंबा ना बना के, अगर ये इतना ही रखते तो भी enough होता, because मेरे लिए तो बहुत uncomfortable है इतना बड़ा stick पकड़ के lipstick लगाना. तो फाइन, ठीक है. अब मैं इसको स्क्वॉच करके देख लेती हूँ कि ये कैसा आया है. ओके, थोड़ा सा ना मुझे ये अनकंफर्टेबल भी लग रहा है खोलने और बंद करने में. लाइक बाकी जो मेरी लिपस्टिक हैं वो बहुत स्मूथ हैं खोलने बंद करने में. तो आई डोंट नो इफ ये कैसी क्वालिटी का है, बट फाइन. अंदर के आइटम से मुझे ज़्यादा मतलब है, तो मैं इसे यहाँ पे स्क्वॉच करके आपको दिखाती हूँ. सो दिस इज़ द शेड एंड यू कैन सी राइट, मेरे इसको यहाँ स्क्वॉच करते ही ये यहाँ से टूट भी गया. सो दिस इज़ द शेड एंड लेट मी सी. तो ऑलमोस्ट सेम कलर आ रहा है वीडियो में. येस, दिस इज़ द सेम कलर विच यू विल गेट. तो यू कैन सी कि जो ये कलर है वो बहुत डार्क है, प्लस जब आप लगाते हो तो ये थोड़ा सा लाइट हो जा रहा है. सो दिस इज़ व्हाट द शेड इज़. आई थिंक वीडियो में ये थोड़ा सा रेड जैसा लग रहा है, बट लेट मी टेल यू, दिस इज़ आई कैन से मरून काइंड ऑफ, गुड मरून काइंड ऑफ शेड विद ऑब्वियसली प्लम टच. बट मैं ना अभी इस चीज़ से बड़ा दुखी हूँ, क्योंकि एक छोटा सा स्क्वॉच करने में ये ऐसे टूट गया. सो आई एम नॉट हैप्पी विद दिस वन. आप देख भी रहे होंगे कि ये यहाँ से कैसा है, मतलब एज यू कैन सी इसको कितनी रफली बनाया गया है. मतलब आप देख रहे हैं कि बिल्कुल स्मूथ नहीं है ये. बाकी लिपस्टिक्स तो कितने अच्छे से निकलती हैं, बट दिस इज़ नॉट स्मूथ एट ऑल. तो मेरा इतना तारीफ करना बेकार रहा ममार्थ का, जोक्स अपार्ट. बट येस, दिस इज़ समथिंग आई एम नॉट हैप्पी विथ, एंड दिस इज़ दी शेड. ओके,
आई विल ट्राई टू यूज़ दिस लिपस्टिक एंड आई विल शो यू कि ये स्मज प्रूफ है कि नहीं. बट मैं आपको यहाँ भी दिखा सकती हूँ कि ये स्मज प्रूफ है कि नहीं, क्योंकि सो एज आई सेड कोई भी बुलेट लिपस्टिक स्मज प्रूफ नहीं होती है. दिस इज़ द स्मज. ओके, बहुत सारे लोग क्या करते हैं, ऐसे ऐसे कर देंगे वीडियो में और बोलेंगे देखिए नहीं छूटा. मतलब झूठ बोलने का क्या है. कोई भी बुलेट लिपस्टिक स्मज प्रूफ नहीं होती है और स्मज इज़ दिस एक्चुअली. ऐसे ही स्मज किया जाता है तो ये स्मज प्रूफ नहीं है. तो इसमें कोई प्रॉब्लम भी नहीं है क्योंकि आप बुलेट लिपस्टिक से ये एक्सपेक्ट नहीं कर सकते. येस, अगर इसकी जगह कोई लिक्विड लिपस्टिक है देन यू कैन एक्सपेक्ट, डेफिनेटली यू कैन एक्सपेक्ट. बट बुलेट लिपस्टिक से ये एक्सपेक्ट करने का है ही नहीं कि आप इसको स्मज प्रूफ बोल दो. हम आई लाइनर से एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि वो स्मज प्रूफ हो. ओके, एंड लेट मी जस्ट चेक कि इन्होंने यहाँ जो कलर लगाया हुआ है वो एक्चुअल में वो कलर है कि नहीं. अभी तो मुझे इसे लगाने में भी डर लग रहा है, टूट रही है. आई एम रियली नॉट हैप्पी विद दिस लिपस्टिक. आई एम रियली नॉट हैप्पी. सी, पट से ये टूट गया. यू कैन सी द टेक्सचर, राइट? मतलब बिल्कुल अच्छे से नहीं बनाया इन्होंने लिपस्टिक को. कुछ भी उठा के कस्टमर्स को दे देना है. तो ये मैंने दो तीन कोट लगाए हैं और उसके बाद ये मुझे शेड दिख रहा है. एंड यू कैन सी, राइट, कितना रफ इन्होंने लिपस्टिक को बनाया. लेट मी शो यू. आई डोंट नो क्यों वीडियो में इतना ब्लर हो रहा है. यू कैन सी, राइट, कितना रफली इन्होंने इसको बनाया है. मतलब इतना रफ तो मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि इतना रफ ये बनाएंगे लिपस्टिक को. तो आई एम नॉट हैप्पी विद दिस. इतना रफ इन्होंने इसको बनाया हुआ है लिपस्टिक को कि मुझे तो गुस्सा आ रहा है अभी देख के. लाइक आई एम नॉट हैप्पी एट ऑल विद दिस. सी हाउ रफ इट इज़. और यही रीज़न था कि सिर्फ एक वॉच करते में ही ये सोचो यहाँ से टूट गया. तो आई एम नॉट हैप्पी विद दिस काइंड ऑफ, यू नो, दिस काइंड ऑफ टेक्सचर. और जो भी इन्होंने मिक्सिंग की हो, जो भी जैसे भी इन्होंने बनाया हो, बट आई एम नॉट हैप्पी विद दिस. तो ओके, यस, सो ये जो कलर है वो इस कलर से ऑलमोस्ट मैच हो रहा है. तो येस, जो डब्बे पे कलर है आप उसको देख के खरीद सकते हैं बिलीव करके. दिस इज़ द एग्जैक्ट सेम शेड. ओके, जो भी डब्बे पे बाहर कलर छपा हुआ है आप वो सेम कलर यहाँ से देखेंगे. ये मैंने दो तीन बार जब इसको यू नो लगाया है तब ये शेड आया है, विच इज़ द एक्चुअल शेड प्रिंटेड ऑन द बॉक्स, विच इज़ वन ऑफ दी अट्रैक्टिव थिंग्स ऑफ दिस प्रोडक्ट. ओके, तो यस, दिस इज़ रियली इम्प्रेसिव कि जो कलर इन्होंने बॉक्स पे लगाया हुआ है वो एग्जैक्ट कलर है जो आपके हाथ पे आएगा, या सॉरी मतलब लिप्स पे आएगा. एंड वन मोर स्मॉल टिप फ्रॉम माई साइड टू यू पीपल कि जब भी आप लिपस्टिक खरीदे तो हम लोग कहाँ लगा लेते हैं, कभी कभी यहाँ लगा लेते हैं, कभी कभी यहाँ लगा लेते हैं. तो लेट मी टेल यू कि जो सबसे अच्छा तरीका होता है कोई शेड चेक करने का, कभी भी जब आप लिपस्टिक का टेस्ट लगा रहे हो तो आप अपने हाथ के साइड में चेक कीजिए, क्योंकि ये जो शेड होता है ये आपके स्किन से मैच हो रहा होता है. मतलब ये आपके फेस की जो स्किन है उससे मैच कर रहा होता है, स्किन कलर से मैच कर रहा होता है. एंड बहुत सारे लोग ऐसे भी हैं जिनका ये कलर नहीं मैच होता फेस से, तो आप पहले मिरर में देख के अपने हाथ का वो एक पोर्शन पता करिए कि हाँ ये कलर मेरे फेस के कलर से मैच होता है. आप उस पोर्शन में लिपस्टिक लगा के चेक कीजिए कि अच्छा ये कलर ऐसा लग रहा है मेरी स्किन पे, मतलब ये मुझे सूट करेगा नहीं करेगा वो आपको पता चल जाएगा. जैसे ये मैंने यहाँ लगाया है तो ये अच्छा दिख रहा है इस स्किन पे, आई एम हैप्पी विद द शेड, तो डेफिनेटली ये मेरी स्किन पे जाएगा. ओके, एंड ये डस्की टू मीडियम स्किन सब पे जाएगा. फेयर स्किन है अगर आपकी तो आप पे शायद बहुत ज़्यादा चमकेगा ये कलर, मतलब बहुत ज़्यादा डार्क लगेगा आपके ऊपर अगर आप गोरे हो तो. तो वही है कि आपने जैसी ड्रेसिंग की हुई है, पार्टी वेयर ड्रेसिंग की हुई है, तो आप चाहिए आराम से ये कलर लगा के, नो इशूज़. बट येस, ये डेली वेयर नहीं है और ऑफिस वेयर भी नहीं है, कॉलेज वेयर भी नहीं है. अगर आपने ऑफिस या कॉलेज की पार्टी अटेंड करनी है तब आप इसको लगा सकते हो.
सो व्यूअर्स, एज आई सेड कि मैं आपको डे लाइट में भी दिखाऊंगी कि ये शेड एक्चुअल में कैसा दिख रहा है. तो मेरे यहाँ एक्चुअली थोड़े बादल हैं, थोड़े नहीं, आई थिंक बहुत बादल हैं. बट यस, ये डे लाइट है, हालांकि धूप नहीं है, बट आई थिंक दिस इज़ सफिशियंट फॉर यू गाइज टू अंडरस्टैंड द शेड. तो ये बॉक्स पे जो कलर है वो ही मेरे हाथ पे कलर आपको दिख रहा होगा. तो दिस इज़ द सेम शेड. ओके, सबसे अच्छी चीज़ जो मैंने आपको पहले ही बताई कि जो बॉक्स पे शेड है ना, वो हाथ पे जो आप शेड लगाते हो वो वही है. ओके, एंड लिपस्टिक जो अगर मैं आपको खोल के दिखाऊंगी तो ये भी ऐसे ही कुछ कलर आएगा. हालांकि ये आपको थोड़ा डार्क दिख रहा होगा बुलेट में, लेकिन लगाने पे थोड़ा सा लाइट हो जाता है. सो दिस इज़ द शेड. ये आपको ब्रिक सा दिख रहा होगा, बट इसे इट इज़ एक्चुअली काइंड ऑफ यू नो प्लम मरून काइंड ऑफ कलर, जो कि बहुत अच्छा शेड है. मतलब डार्क शेड है ऑब्वियसली, एंड आई थिंक ये डे लाइट में अब अच्छे से दिखेगा. कि ये देखिए कितना गंदे से इन्होंने बुलेट बना के दिया है, मतलब वेरी रफ. सो गाइज, मैंने इस लिपस्टिक को ट्राई किया और जब मैंने इसको लगाया तो जैसे कि मैंने बोला था ना कि बहुत सी ऐसी लिपस्टिक्स होती हैं, जब आप उनको लगाते हो तो ऐसा लगता है कि लिपस्टिक ही नहीं लगा रहे हम, लिप बाम लगा रहे हैं. सो लाइक दैट दी एक्सपीरियंस वॉज. जैसे ही मैंने इस लिपस्टिक को लगाया, मुझे ऐसा लग रहा था जैसे मैं लिप बाम लगा रही हूँ अपने लिप्स पे. ये इतना यू नो स्मूथ है और एनरिच्ड है ये लिपस्टिक, कि ऐसा लगेगा कि लिप बाम लगा रहे हो आप. इतनी स्मूथली ये लिप्स पे ग्लाइड हो रहा था और इतना मॉइस्चराइज कर रहा था ये लिप्स को, कि ऐसा लग रहा था कि लिपस्टिक नहीं लिप बाम है. प्लस बहुत लाइट वेट भी है ये, पता ही नहीं चलेगा लिप्स पे कि लिपस्टिक लगा हुआ है. क्योंकि कई बार जैसे आप मेनली लिक्विड लिपस्टिक लगाते हो तो जैसे ही वो सेट होती है, ड्राई होती है, तो ऐसा लगता है ना लिप्स थोड़ी खिंच रही हैं और पता चलता है कि हाँ आपने लिपस्टिक लगाया है. तो ऐसा कोई फील आपको नहीं आएगा इस लिपस्टिक में, बिकॉज दिस इज़ मॉइस्चराइजिंग लिपस्टिक, प्लस दिस इज़ बुलेट लिपस्टिक. तो ये जो स्किन पे खिंचाव होता है वो डेफिनेटली से नहीं होने वाला. अगर आप इसी का लिक्विड लिपस्टिक लगाओगे मामा अर्थ का, तो आई गेस आपको वो फील आएगा, क्योंकि लिक्विड लिपस्टिक में वो फील होना एक नॉर्मल चीज़ होती है, जैसे कि बुलेट लिपस्टिक में स्मज होना एक नॉर्मल चीज़ है. तो ये तो हो गया लगाने वाली चीज़. प्लस इसके 1 घंटे बाद, मतलब मैं इसको लगा चुकी हूँ 1 घंटे पहले, तो इसको लगाने के 1 घंटे बाद जैसे एक्चुअली जब आप ज़्यादा बोलते हो या बात करते हो, जैसे आप कहीं जाओगे तो ऑब्वियसली यू विल टॉक टू पीपल, तो उस टाइम बात करते करते हो सकता है कि तब ये थोड़ा सा ड्राई होने लगता है. तो फिर आपको लिप्स पे पता चलेगा कि येस यू हैव पुट द लिपस्टिक, और थोड़ा सा खिंचाव जैसा लगेगा, बहुत ज़्यादा नहीं, बहुत माइनर. बट येस, जो आप इनिशियली आप लिपस्टिक लगाते हो तो लगता है लिप बाम लगाया है, बट आफ्टर 1 आवर यू विल फील दैट ओके यू हैव पुट द लिपस्टिक, यू आर यूजिंग द लिपस्टिक. तो ये एक छोटा सा चेंज. प्लस यस, स्मज तो मैं अपने लिप्स पे से स्मज करके बताती हूँ कि एक्चुअल में कैसा है. तो पहले मैं ट्रांसफ़र प्रूफ चेक करूँगी. उस टाइम मैंने नहीं चेक किया था, बिकॉज़ तब आप लगाओ चाहे 1 घंटे बाद चेक करो, क्योंकि मैंने कुछ खाया पिया नहीं है अभी. तो जैसा 1 घंटे पहले लगा था वैसा ही है लिपस्टिक, कुछ अभी ख़राब तो नहीं हुआ है फिलहाल. सो आई वॉन्ट टू चेक कि 1 घंटे बाद क्या हाल रहता है. सो ये मैंने किया अपने लिप्स पे इसको टच करके, तो कुछ भी ट्रांसफ़र नहीं हुआ है. आई कैन शो यू बैक साइड एज वेल, लाइक सॉरी पाम साइड एज वेल. तो यहाँ पे भी कुछ नहीं आया है, लाइक एवरी थिंग इज़ फाइन, कुछ भी दिक्कत नहीं है. और यहाँ पे भी कुछ नहीं आया, तो येस दिस इज़ ट्रांसफ़र प्रूफ. कुछ नहीं आया है मेरे हाथ पे, कुछ भी नहीं आया है. आई कैन ट्राई वन मोर टाइम. एक्चुअली दिस इज़ द थर्ड टाइम, और यहाँ पे आप देख रहे हैं कुछ नहीं आया है. मैंने बहुत ज़ोर से ये ट्राई किया है ट्रांसफ़र प्रूफ चेक करने के लिए, एंड कुछ भी नहीं आया है मेरे हाथ पे. तो येस दिस इज़ गुड लिपस्टिक. अगर आप कुछ जैसे पानी वानी पी रहे हो मुंह लगा के ग्लास से, तो भी ग्लास पे आई थिंक कुछ नहीं छपेगा. बट येस, अगर लिक्विड लिपस्टिक होती है तो आई थिंक बहुत सी लिपस्टिक्स गीली हो जाने की वजह से फिर से उनका जो कहना चाहिए ना, निशान पड़ जाता है ग्लास पे. सो दिस इज़ वन थिंग आई चेक फॉर ट्रांसफर प्रूफ. सेकेंड थिंग, मैं स्मज करना चाहूँगी अपने लिप्स को.
तो यस, मैंने थोड़ा सा इसको रगड़ा, बहुत हल्के से, बहुत ज़्यादा भी नहीं, और ये मेरे हाथ पे कलर आ गया है. सो एज आई सेड, इट इज़ नॉट इस मच प्रूफ, बट इट इज़ ट्रांसफर प्रूफ एंड इट इज़ वेरी गुड इन मॉइस्चराइजिंग योर लिप्स एंड इट इज़ कीपिंग योर लिप्स सेफ एज वेल. अगर आपकी लिप्स ऑटोमेटिकली, मतलब कहना चाहिए ना, पहले से ड्राई हो, या आपकी लिप्स पहले से ड्राई रहते हैं, तो इट कैन हेल्प यू अप टू सम लेवल, बट उसके बाद तो आपकी जो ड्राइनेस है लिप्स की, वो असर करना शुरू कर देगी. सो यू हैव टू मेक श्योर कि आप अपने लिप्स को अच्छे से मतलब नर्म रखें, और पानी पीते रहें अच्छे से, जिससे आपके लिप्स अच्छे रहें. प्लस जब आप लिपस्टिक नहीं लगा रहे हो, मतलब नॉर्मल डे लाइफ में, आप लिप बाम यूज़ करें, या तो आप घी भी लगा सकते हैं, और कुछ अच्छे लिप बाम्स आते हैं जो कि लिप्स को बहुत अच्छे से मॉइस्चराइज करते हैं. सो यू कैन यूज़ दोज थिंग्स फॉर योर लिप. सो गाइज, कुछ देर पहले मैंने इस लिपस्टिक को लगा के, मतलब लगा हुआ था ऑलरेडी, तो वैसे में मैंने खाना खाया, मतलब लिपस्टिक लगाने के 1 घंटे बाद मैंने खाना खाया है. एंड आई कांट बिलीव कि मेरी लिपस्टिक एज इज़ मेरे लिप्स पे रही, मतलब बिल्कुल भी नहीं हटी है, या आपको दोबारा लगाने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी. लाइक बहुत सारे लोग कैरी करते हैं ना लिपस्टिक अपने साथ, कि अगर छूट गई तो वो फिर से लगा लेंगे खाना वाना खाने के बाद. बट मैंने प्रॉपर खाना खाया है, और उसके बाद मैंने पानी वानी सब पिया है, एंड ये लिपस्टिक कहीं भी, मतलब लिप्स से छूटी नहीं है थोड़ी सी भी. हाँ, ये है कि अगर आप ट्रांसफ़र प्रूफ चेक करना चाहते हो, तो आप चेक कर सकते हो, बहुत थोड़ा सा ऐसा मार्क आ जाएगा लिप्स का आपके हाथ पे, बट दिस रियली डजेंट मैटर. मतलब इतना ज़रा सा ट्रांसफ़र होना, आई थिंक बिल्कुल मैटर नहीं करता. तो येस, इट इज़ ट्रांसफ़र प्रूफ एंड दिस इज़ रियली वेरी गुड. मतलब आपको एक बार लगाने के बाद ज़रूरत नहीं पड़ेगी इसे बार बार लगाने की. तो आई थिंक ये जो इतनी क्वांटिटी है, आई थिंक ये 2 ग्राम है. येस, इट इज़ 2 ग्राम. तो ये जो क्वांटिटी है, ये सफिशियंट है. हालांकि इसका प्राइस भी ज़्यादा है, ये 500 रुपये की लिपस्टिक है इतनी. तो मेरे हिसाब से तो आई विल से दैट इट्स अ वेरी गुड लिपस्टिक. आई रियली लाइक इट अ लॉट. और मेरा यही सजेशन होगा कि आप इस लिपस्टिक को आराम से ख़रीद के लगा सकते हो, बिकॉज़ बेस्ट पार्ट इज़ कि ये जो डब्बे पे जो भी कलर प्रिंट है, यही सेम कलर आपको मिलेगा. सो यू डोंट हैव टू वरी अबाउट स्क्वाचेज एंड ऑल. सो इवन वॉचिंग एनी यूट्यूब वीडियो फॉर एग्जैक्ट कलर और एक्चुअल कलर इज़ नॉट इवन नेसेसरी. आपके लिए ये जो मेरी वीडियो है, ये सफिशियंट है कलर समझाने के लिए एंड रिव्यू के लिए. सो दैट्स ऑल फॉर टुडेज़ वीडियो. आई होप यू गाइज लाइक द वीडियो. पुट डाउन द कमेंट्स बिलो इफ़ यू वॉन्ट मी टू पुट रिव्यू ऑफ एनी अदर प्रोडक्ट फ्रॉम अमार्थ, या किसी भी और कंपनी का, अगर आप चाहते हो कि मैं आइटम खरीदूँ और आपको रिव्यू दिखाऊँ उसका. सो डेफिनेटली आई टेल यू. एंड प्लीज़ गाइज, डू शेयर माई वीडियो, सब्सक्राइब टू माई चैनल एंड सपोर्ट माई चैनल. टेक केयर, स्टे सेफ, बाय.